पुरवाई विधानसभा क्षेत्र के अनेकों ग्रामों में 15 दिनों के अंदर दो बार अतिवर्षा और ओलों की मार के कारण फसल 100% बर्बाद हो गई। वहीं भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को बर्बाद फसलें नहीं दिख रही है। 100% नुकसान को कहीं 40% और कहीं 70% मनमर्जी से लिखवाने का काम भाजपा के जनप्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा है। जनता में हाहाकार है। कई ग्रामों में फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जिसमें गेहूं धनिया की फसलें मुख्य रूप से है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सुभाष बोहत, एडवोकेट पूर्व विधायिका श्रीमती पानबाई ने कई ग्रामों का दौरा कर किसान भाइयों से चर्चा की और शीघ्र ही पर्याप्त मुआवजा राशि तय समय सीमा में देने का शासन प्रशासन से आग्रह किया। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। सर्वे कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं? रोड पे से गाड़ी में से नहीं उतरे। आज चल लगे यहाँ देख। इनको नाम क्या है? वो नाम क्या है? वो मेरा नाम मोहन सिंह। इनको पटवारी पटवारी साहब। अच्छा, इनको नाम क्या है? नाम क्या? तोरण सिंह। मेरा नाम तोरण सिंह गौड़ है। मौके पे जाके खेत खेत हमने जिन लोगों सर्वे किया है उनको मिलेंगे। आप बन रही है जिनका नहीं गया। हाँ, मेरा मकान करो कोई अठन्नी नहीं करो। यहाँ उपस्थित है, यहाँ पर लगातार भारी नुकसान किसानों का हुआ है। विधायक और एसडीएम महोदय यहाँ आए थे और औपचारिकता करके केवल चले गए। अभी तक कोई भी गांव के लोगों की शिकायत है आपके सामने, नौजवानों ने शिकायत करी है। खेत पर कोई नहीं गया, 100% नुकसान हुआ है। विधायक जी 70% नुकसान का कह के गए हैं। मैं सुभाष बोहत कांग्रेस पार्टी की ओर से इसका आपत्ति दर्ज करता हूं। पिथोली नहीं, आसपास के जितने भी गांवों में नुकसान हुआ है वहां 100% नुकसान लिखाया जाना चाहिए और हर व्यक्ति को, हर किसान को, छोटा बड़े हर किसान को पूरा 100% जो मुआवजा राशि मिलना चाहिए दिलवाई जाए। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो हम कांग्रेस पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन आंदोलन करके सभी किसान भाइयों को राशि दिलाने का काम करेंगे। ये हम, हमारे रमेश पारदी जी हमारे साथ हैं, हमारे पाराशर जी पंडित जी साथ हैं। हम आपको हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से आश्वस्त करते हैं, एक भी किसान भाई हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।